हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन एडजस्टमेंट की। देखिए, जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है एडजस्टमेंट्स की, कि जब तक हमारी पोजीशन प्रॉफिटेबल है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट हमारी पोजीशन को चैलेंज करता है तो फिर वहां पे हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एडजस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग की पहली शर्त है एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आपके लिए एक बिग नो है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप इन नहीं करना चाहिए। पहले आप एडजस्टमेंट सीखिए, उसी के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कीजिए। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप ये समझते होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एडजस्टमेंट्स का आना कितना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि एडजस्टमेंट जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इतने जरूरी हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एडजस्टमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है स्ट्रेंगल के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए। इसमें मैं वीकली स्ट्रेंगल भी बताऊंगा, मंथली स्ट्रेंगल भी बताऊंगा, और आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। और ये एडजस्टमेंट डेल्टा बेस्ड होने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक जो वर्कशॉप थी उनसे डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो मैं वीकलीज भी बताऊंगा और साथ ही मंथलीज भी बताऊंगा, लेकिन साथ ही जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा वो डेल्टा बेस्ड होने वाले हैं। डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट्स का एक टाइप ही है। तो इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंगल में आप डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो, और साथ ही मैं आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो ये कंप्लीट वर्कशॉप होने वाली है स्ट्रेंगल के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो, वीकली मंथली दोनों में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, और एक गोल्डन इक्वेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि ऑप्शन सेलिंग में आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये वर्कशॉप कल यानी संडे को कंडक्ट होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एडजस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है वो मूवमेंट बेस्ड होता है, सेकंड एडजस्टमेंट होता है ये डेल्टा बेस्ड होता है, और थर्ड एडजस्टमेंट होता है इसको वोलेटिलिटी हेजिंग बोलते हैं। जब वोलेटिलिटी की वजह से हमारी पोजिशन में लॉस आना शुरू हो उस टाइम पे जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको वोलेटिलिटी हेजिंग बोलते हैं, वो भी एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। हालांकि मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरह के होते हैं, एक डेल्टा बेस्ड और एक मूवमेंट बेस्ड, लेकिन तीसरा मैंने ऐड किया है ये वोलेटिलिटी को लेके है कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप वोलेटिलिटी से भी इफेक्टेड होते हो, तो वोलेटिलिटी से हेज करने के लिए भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो आप वोलेटिलिटी हेजिंग में यूज करते हो। तो ये तीन एडजस्टमेंट होते हैं बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट की। तो मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होता है, जब आप अपनी पोजिशन में एडजस्टमेंट इस बेसिस पे करते हो कि मार्केट कितने पॉइंट मूव कर गया है उसको देख के और फिर आप एडजस्टमेंट करते हो, उसको बोलते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये दिखाता हूं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17200 पे। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रेड इनिशिएट करके दिखाता हूं, मैं एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करता हूं। तो 17200 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहां पे मैं एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करता हूं। तो मैं आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा, आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो 17200 से मैं नीचे जाता हूं और मान लीजिए मैं 25 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करता हूं जिसका प्रीमियम 93 रुपीज है, क्योंकि अब एक्सपायरी नियर बाय आ रही है इसलिए प्रीमियम जो क्लोज स्ट्राइक्स हैं उन्हीं पे आपको मिलेगा, इसलिए मैंने 25 डेल्टा का एक 16800 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। उसी तरह से मैं ऊपर की तरफ जाता हूं और यहां पे भी मैं 25 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं जो कि ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज पे। 17550 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैंने सेल कर दिया, एक लोट इसका भी मैंने एक लोट सेल कर दिया। तो अब आप यहां पे देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मैंने एक स्ट्रेंगल को ट्रेड किया है, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 8600 रुपीज का है और मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो ये होगी एक स्ट्रेंगल। अब आप देखिए, अगर मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो फिर वहां पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, अगर आप इस पोजीशन में एडजस्टमेंट करते हो मार्केट की मूवमेंट को देख के, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट। मार्केट ट्रेड कर रहा है 17200 पे, यहां से मार्केट मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर जाता है, आपने मान लीजिए ये क्राइटेरिया रखा है कि मार्केट जैसे जैसे 200 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो ये बेसिकली मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट है कि मार्केट जैसे जैसे मूव कर रहा है उस मूवमेंट को देख के और फिर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो कि
मार्केट 200 पॉइंट मूव कर रहा है, मार्केट 300 पॉइंट मूव कर रहा है, जितना भी मार्केट मूव कर रहा है उस एब्सोल्यूट मूवमेंट को देख के और फिर आप एडजस्टमेंट करते हो। मेजोरिटी ट्रेडर्स इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, वो मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं कि मार्केट कितना मूव कर रहा है। मेरा अपर ब्रेक इवन है 17700 पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर जाता है, जब 17500 को मार्केट टच कर देगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया हम रखते हैं जहां पे मार्केट कितने पॉइंट मूव करेगा उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट। अब ये तो बात होगी मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट की, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये एक टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, और इसी तरह का दूसरा एडजस्टमेंट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट। डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट होता है थोड़ा एडवांस हो जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट में हम प्राइस की मूवमेंट को नहीं देखते हैं, हालांकि डेल्टा होता है ये प्राइस की मूवमेंट को ही बताता है। तो बेसिकली हम मूवमेंट को फैक्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्केट की मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं कि मार्केट कितना मूव कर रहा है, हम डेल्टा को देख रहे हैं। डेल्टा है इसमें प्राइस मूवमेंट फैक्टर्ड इन रहती है, इसलिए आपको प्राइस देखने की जरूरत नहीं है अगर आप डेल्टा देख रहे हो। तो डेल्टा एक एडवांस अप्रोच है, एक प्रोफेशनल अप्रोच है एडजस्टमेंट्स को लेके। तो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट होता है यहां पे आपको मूवमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। अब डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पे स्ट्रैंगल मैंने डिप्लॉय किया है, और मान लीजिए मैं प्राइस को देख के एडजस्टमेंट नहीं करता हूं, मैं डेल्टा को देख के एडजस्टमेंट करता हूं। तो आप यहां पे देखिए, मैं आपको ग्रीक्स दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए मैंने 16800 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 17550 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। यहां पे डेल्टा देखिए आप, जो पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा 25 है और जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा भी 25 है। अब यहां पे मैं क्राइटेरिया रखता हूं कि जैसे ये डेल्टा 35 को टच करेगा तो मैं यहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन का डेल्टा है ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मैं प्राइस की मूवमेंट को नहीं देख रहा हूं, मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जैसे डेल्टा 35 को टच करेगा तभी मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो यहां पे 25 डेल्टा है, मैं सिर्फ इसको देखूंगा, प्राइस को नहीं देखूंगा। मार्केट जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा ऊपर की तरफ जाएगा, तो जैसे ये 35 को टच होगा वहां पे मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो ये डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट है जहां पे मैं प्राइस की मूवमेंट को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ डेल्टा को देख रहा हूं। अब यहां पे आपका सवाल होगा कि डेल्टा है ये प्राइस की मूवमेंट को ही दिखाता है, तो मैं प्राइस की मूवमेंट को क्यों नहीं देख रहा हूं, मैं डेल्टा को क्यों देखूं, डेल्टा देखने के पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखिए डेल्टा आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि डेल्टा में प्राइस की मूवमेंट है वो तो फैक्टर्ड इन रहती है, लेकिन डेल्टा है ये हर एक चीज को फैक्टर इन करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है और कितना टाइम बचा है एक्सपायरी होने में। जैसे ही हम एक्सपायरी को अप्रोच करते हैं, एक्सपायरी के नियर बाय जाते हैं, तो डेल्टा है ये भी चेंज होता है। आज एक पोजिशन का डेल्टा 25 है, जब एक्सपायरी होने में 30 डेज बाकी है, तो जब एक्सपायरी होने में सिर्फ 15 डेज बाकी होंगे उस दिन उस पोजिशन का डेल्टा 25 नहीं होगा, वो उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के पास में जो आउट द मनी की स्ट्राइक होती है उनका डेल्टा 0 को अप्रोच करता है, और जो इन द मनी की स्ट्राइक होती है उनका डेल्टा 100 को अप्रोच करता है। तो डेल्टा है ये मार्केट कंडीशन के साथ चेंज होता रहता है, टाइम टू एक्सपायरेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा चेंज होता रहता है। तो अगर आप डेल्टा को देख के एडजस्टमेंट करते हो तो आप हर एक चीज को फैक्टर इन करके फिर एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो तो प्राइस एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देख रहे हो, वहां पे आप सारी चीजों को फैक्टर इन नहीं कर रहे हो। 100 पॉइंट की मूवमेंट मंथ के शुरू में भी 100 पॉइंट ही है, और अगर आप एक्सपायरी से 2 दिन पहले करोगे तो भी 100 पॉइंट ही है। 100 पॉइंट की मूवमेंट है वो अपने आप में 100 पॉइंट है, लेकिन डेल्टा अगर आप देखते हो तो मंथ के शुरू में अगर आप 25 डेल्टा देखोगे तो वो अलग स्ट्राइक पे मिलेगा, और अगर आप एक्सपायरी से 2 दिन पहले डेल्टा देखोगे तो वो अलग स्ट्राइक पे मिलेगा। इसलिए डेल्टा को देख के एडजस्टमेंट करना ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है, ज्यादा एडवांस अप्रोच है। तो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए, स्पेशली जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं। ओपन स्ट्रेटजी जैसे स्ट्रैडल होगी या स्ट्रैंगल, इन तरह की जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं वहां पे आपको डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट करना चाहिए। जो इनबिल्ट हेज के साथ जो स्ट्रेटजीज आती हैं वहां पे आप प्राइस मूवमेंट को देख के एडजस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज ए गुड इंडिकेटर, लेकिन ओपन स्ट्रेटजीज में वो उतना वर्क नहीं करता। यहां पे आपको डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट आने चाहिए। तो चलिए ये होते हैं एडजस्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स, और जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है ये इतनी डिटेल्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो एडजस्टमेंट ऑप्शंस के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, और एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आज मैंने आपको यही बताया कि एडजस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। एक मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट होता है, एक डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट होता है, एक वोलेटिलिटी हेजिंग होती है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन बेसिकली आप ये समझिए कि 2 मेजर टाइप होते हैं, एक मूवमेंट बेस्ड होता है, एक डेल्टा बेस्ड होता है। तो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट जो कि एक ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है, एक एडवांस वे है एडजस्टमेंट करने का, उसी पे बेस्ड मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूं। कल की वर्कशॉप स्ट्रैंगल पे होगी, और इस वर्कशॉप में जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा वो डेल्टा बेस्ड होने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा को देख के आप अपनी पोजीशन में किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो और इससे आपको किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वर्कशॉप स्ट्रैंगल के ऊपर होगी, जिसमें
मैं आपको मंथली और वीकली दोनों तरह के स्ट्रैंगल्स बताऊंगा। इनमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपके साथ एक गोल्डन इक्वेशन शेयर करूंगा जो ऑप्शन सेलिंग में आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये वर्कशॉप कल यानी संडे को कंडक्ट होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।